नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी के साथ भारतीय सब लोक पार्टी ने विलय कर लिया है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, चिराग पासवान और पूर्व सांसद अरुण कुमार की जो पार्टी थी भारतीय सब लोक पार्टी, वो आज चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में विलय कर गई है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद अरुण कुमार लगातार चिराग पासवान के समर्थन में थे, लगातार चिराग पासवान को लेकर उन्होंने बयान भी दिया है। साथ ही साथ जब चिराग पासवान के चाचा ने उस वक्त उन्हें धोखा दिया था, तो चिराग पासवान के साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार की वो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, और उस वक्त चिराग पासवान जो है लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पूर्व सांसद अरुण कुमार के घर पर भी पहुंचे थे और वहां पर उनसे मुलाकात भी की थी। तमाम तस्वीरें आपने देखी है, और आज इन तमाम सवालों के बीच जो लगातार पूर्व सांसद अरुण कुमार और चिराग पासवान लगातार मिल रहे थे, और जिस तरीके से लगातार पूर्व सांसद अरुण कुमार यह कह रहे थे कि चिराग पासवान को मेरा समर्थन है, तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या जो भारतीय सब लोग पार्टी है वो चिराग पासवान की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान को अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद अरुण कुमार दे रहे थे, तो ये लगातार सवाल खड़े हो रहे थे लोगों के बीच कि क्या बिहार में एक और गठबंधन बनेगा, क्या जिस तरीके से पूर्व अरुण कुमार चिराग पासवान को हमेशा समर्थन कर रहे हैं, तो क्या गठबंधन होना था। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर बिंदु जो तमाम सवाल खड़े हो रहे थे उस पर जो है विराम लग गया है, क्योंकि जो भारतीय सब लोग पार्टी है उन्होंने विलय कर लिया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। और ये तस्वीरें जो आपने देखी है, साथ ही साथ क्या कुछ उन्होंने कहा है, छोड़े जाते हैं पूरे बयान के साथ। मैं इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा, और जब अन्याय देखा, अन्याय के खिलाफ चिराग पासवान लड़ रहे थे, सत्ता को ध्यान में न रखते हुए जब ये लड़ रहे थे, तो नेमतुल्ला थोड़ा सा लोगों को कर लीजिए, आप नेता हैं तो पीछे के लोग कुछ चिराग जी को देखना चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं, इसलिए बाधक मत बनिए। तो मैं ये कह रहा था कि आज एक ऐतिहासिक क्षण है, और जिस व्यक्ति को हम लोगों ने सृजन का व्यक्ति समझा, सृजन के लिए नेतृत्व सौंपा, वह सृजन घोटाला का अधिकारी बन गए, तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि बिना नीतीश कुमार की सत्ता को समाप्त किए बिहार का विकास संभव नहीं। अरुण कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये क्षमता आप तमाम साथियों में है, बदल सकते हैं। हमारी बेचैनी ये थी कि लोजपा को भी हम एक बार तोड़ें, बेचैनी थी कि नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाना चाहिए, और सत्ता में बैठा करके चितरंजन बाबू के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। काफी लोग इसमें करीब करीब 4-5 जिला के साथी जिला अध्यक्ष नहीं आए हैं, बाकी सभी जगह के लोग आए हैं। मैं 10:30 से लोगों से मिल रहा था, करीब करीब सब लोगों से मिला हूं, और सब लोगों को बोलने की इच्छा भी है। नए वातावरण में, नए नेतृत्व में काम करना है, तो कोई नया वातावरण नहीं है, नया कुछ नहीं है, इसलिए कि हम लोग रामविलास जी के साथ काम कर चुके हैं। और जो हमारे साथ काम कर चुके हैं जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में,
समता पार्टी से लेकर जेडीयू तक तो हम तमाम लोग, कुछ ऐसे साथी भी हैं, ऐसे चेहरे भी हैं जो हमसे नाराज थे लेकिन आज उपस्थित हैं। मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं रहता है, मेरे बारे में लोग कहते हैं कि बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, तो जिद्दी स्वभाव के नहीं हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर हम लोगों ने अपनी जवानी लगाई, 12 साल संघर्ष किया और नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने का काम किया। लेकिन सत्ता किस लिए? सत्ता आम लोगों की है।